महाराष्ट्राच्या 50व्या वार्षिक निरंकारी संत समागमला शुक्रवारी खारघर येथे प्रारंभ झाला. संत निरंकारी मिशनच्या प्रमुख या रूपात प्रथमच सद्गुरू माता सविंदर हरदेवजी महाराज यांच्या अध्यक्षतेखाली होत असलेल्या या 3 दिवसीय राज्यस्तरीय समागममध्ये सहभागी होण्यासाठी केवळ महाराष्ट्रातूनच नव्हे तर देशाच्या अनेक भागातून व विदेशातूनही लाखोंच्या संख्येने भाविक भक्तगण या कार्यक्रमासाठी उपस्थित होते. या कार्यक्रमाच्या पहिल्या दिवशी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी श्रीमती अमृता फडणवीस यांनी देखील आपली उपस्थिती दर्शवली. सद्गुरू बाबाजी यांनी दिलेला मानवतेचा संदेश सद्गुरू माताजी पुढे घेऊन जात आहे याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. हे बहुत अद्भुत अनुभव है और पहली बार ऐसा हुआ है कि सविंदर माताजी जो माँ है हमारी वो गुरु माँ बनी है और उनका स्नेह यहाँ हर तरफ बरस रहा है. मिशन ने तो काफ़ी अच्छे काम किए हैं, चाहे वो लोगों को बहुत ही सरल तरीके से सिखाना कि जीवन कैसा बिताया जाए या ब्लड डोनेशन कैंप डोनेशन के कैंप्स करना जिसमें हाईएस्ट कलेक्शन ऑफ ब्लड हुआ है. तो मिशन के काम तो अति सराहनीय है और जैसे कि आपने देखा भक्तों की तो यहाँ तांता है और सभी के मन में एक श्रद्धा का भाव है और इन्होंने संतों ने हमें जीवन का रास्ता दिया है, रास्ता दिखाया है, सही रास्ता भौतिक जीवन से आगे निकल के शांति से एक साथ रह के कैसा जिया जाए. तो ये बहुत ही सुंदर अनुभव है और मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ आई हूँ. नवी मुंबई आवाज़ ब्यूरो रिपोर्ट.